नमस्कार, मत संग्राम में आपका स्वागत है। छतरपुर राजनीतिक रूप से पुरुषों और महिलाओं से बड़ी समृद्ध है। छतरपुर की विधायक ललिता यादव आज मध्य प्रदेश में राज्य मंत्री हैं। छतरपुर की नगरपालिका अध्यक्ष एक महिला यानी कि अर्चना सिंह हैं। खजुराहो जैसे पर्यटन नगरी की जिम्मेदारी भी एक महिला जैसे कि कविता राजे संभाल रही हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी विधायक हैं, जैसे बड़ा मलहरा से रेखा यादव हैं, वो भी राजनीतिक में दक्षता पूर्वक अपनी जिम्मेदारी संभाल रही हैं। चुनावों में महिलाओं के बढ़ते दखल को देखते हुए और महिलाओं की सक्रियता को देखते हुए अब महिलाएं पुरुषों की तरह ही आने वाले चुनाव में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। महाराजपुर विधानसभा में यूं तो फिलहाल पुरुष नेताओं के नाम चल रहे हैं दोनों ही पार्टियों से, लेकिन यहाँ की एक महिला नेत्री भी हैं जिन्हें उम्मीद और संभावनाओं की दृष्टि से देखा जा रहा है। आज हमारे साथ हैं मत संग्राम के इस खास एपिसोड में नौगांव नगर पालिका की अध्यक्ष अभिलाषा सिभरे। अभिलाषा जी छतरपुर जिले की दूसरी सबसे बड़ी नगर पालिका की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। लगभग 3-3.5 साल का उनका कार्यकाल हो चुका है और इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने नौगांव में कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। अब विधानसभा चुनाव आ रहा है तो उन्हें भी संभावनाओं की दृष्टि से लोग देख रहे हैं और पार्टियां देख रही हैं। इसी उद्देश्य से हमने उन्हें बुलाया है कि मत संग्राम में उनसे चर्चा करें, चुनावी दृष्टिकोण से भी और उनके अब तक के कामों से भी। अभिलाषा जी बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। चुनाव की बात तो खैर बाद में करेंगे, पहले तो ये कि एक गृहिणी एक परिवार से निकल के जब राजनीति के मैदान में आती है तो क्या सोच कर आती है। मेरा इशारा है कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब राजनीति में कदम रखा तो क्या उद्देश्य था और किसको अपनी प्रेरणा मान के आप राजनीति में आई थी। देखा जाए तो प्रारंभ से ही मैं धार्मिक और अपने सामाजिक गतिविधियों से जुड़ी हुई रही हूँ मैं। जी जी। जब मैं अपनी फैमिली से अपने जब परिवार से फुर्सत मिली मुझे तो मुझे कुछ राजनीति की तरफ इंटरेस्ट आया, क्योंकि चूंकि मैं सामाजिक गतिविधियों से जुड़ी हुई थी और समाज में मेरी सहभागिता भी हमेशा रही है, लाइनस चाहे वह लाइनस क्लब के माध्यम से हो, चाहे अन्य ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जिसके माध्यम से मैंने सामाजिक कार्यों को विशेष महत्व दिया। लेकिन सामाजिक कार्य के लिए भी एक आपको एक मंच चाहिए, तो ऐसा मेरा उद्देश्य था कि शायद राजनीति एक ऐसा मंच है जिसके ज़्यादा मतलब जिसका ज़्यादातर हम मंच में आकर राजनीति मंच में आकर हम ज्यादा सेवा कर सकते हैं। लोग जो आप सामाजिक काम कर रही थी उनको राजनीतिक रूप में भी बड़े दायरे में किया जा सकते हैं, क्योंकि मन में ऐसा था कि मैं कुछ समाज के लिए करूं। जब ईश्वर ने जिंदगी दी है तो समाज के लिए कुछ करूं, और इसी उद्देश्य से राजनीति में ही मुझको एक ऐसा मंच मिल गया जिससे मैंने ज्यादा से ज्यादा समाज की लोगों की अपनी जनता की सेवा करी। अच्छा, बड़ी लकी है आप, मतलब सीधे कोई महिला घर से निकले और फिर छतरपुर जिले के दूसरे सबसे बड़े शहर की नगर पालिका अध्यक्ष बन जाए, इस लिहाज से देखा जाए तो बहुत भाग्यशाली हैं आप। और जब नगर पालिका अध्यक्ष अचानक से बन गई, क्योंकि हम लोग भी उस समय रिपोर्टिंग कर रहे थे, लगातार खबरें रख रहे थे, तो बहुत ज्यादा नाम आपका नहीं चल रहा था, लेकिन अचानक भारतीय जनता पार्टी ने आप पर विश्वास जताया, टिकट दी और आप चुनाव भी जीत गई। पहली दफा जब आपको पता लगा कि आप नगर पालिका अध्यक्ष बन गई, तब दिमाग में क्या आया? दिमाग में तो ख्याल बहुत से आए कि कैसे इतनी बड़ी मतलब जिम्मेदारी जो दी जा रही, कैसे उसका निर्वहन करूंगी, कैसे मैं इस अध्यक्ष पद को संभालूंगी। लेकिन ईश्वर की कृपा और हमारी नौगांव की जनता और हमारे बड़ों का आशीर्वाद कहेंगे या हमारे सबका प्यार है दुलार कहेंगे नौगांव की जनता का, कि इतना सहयोग मिला मुझे नौगांव की जनता से कि मतलब राजनीति में आकर और अध्यक्ष पद आकर मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कितनी जिम्मेदारी से और कितने अच्छे से इस पद को संभाल लिया। इसमें विशेषकर मैं यही कहूंगी कि मुझे जनता का प्यार, बुजुर्गों का आशीर्वाद, इसके कारण ही मैं आज जो राजनीति आज मैं कर रही हूँ यही। अच्छा, इसका एक फायदा इसलिए भी मिला कि जैसा कि मुझे पता है कि आप नौगांव में पली बढ़ी हैं और फिर नौगांव में ही शादी हो गई, तो बेटी और बहू वो दोनों तरह से आपको नौगांव की जनता का प्यार मिला। सही कहा, क्योंकि नौगांव की मैं बेटी भी हूँ, नौगांव में मेरा बचपन बीता है, चूंकि हरपालपुर में मेरा जन्म हुआ था और लगभग
चार पाँच साल तक मैं हरपालपुर में रही हूँ फोर्थ फिफ्थ क्लास से, और फिर बाकी हमारा पालन पोषण नौगांव में हुआ है। तो नौगांव में मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा करी है, यहीं से कॉलेज, यहीं से। तो चुनाव समय में जब सबको पता चलता था कि अरे अपनी बिटिया, तो मैं किसी के पास जाऊं तो कोई पैर नहीं पड़ा रहा था, हाँ पैर नहीं पड़ा रहा, नहीं बेटा और तुम तो हमारी बिटिया है, गले लगो। तो इसका बहुत यहाँ पर कोई मुझे मतलब बहू मान रहा था, कोई बेटी मान बेटी मान रहा था, तो वो दोनों तरह से आपने वोट जो है वो झटक लिए। बस ऐसे समझिए कि मुझे दोनों पक्षों का बहुत प्यार मिला, मायके पक्ष का भी और ससुराल पक्ष का। अच्छा, आप तीन साढ़े तीन साल का कार्यकाल आपका हो गया है, अपने इस कार्यकाल में कुछ ऐसे काम जो आपने किए हो जिनको लेकर संतुष्टि हो कि जनता ने जो प्रेम दिया था उसको लौटाया है? जी, मेरे कार्यकाल में जहाँ तक मुझे इतनी संख्या है कामों की कि मैं यदि बहुत डिटेल में बताऊंगी तो कार्यक्रम लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अपने संक्षिप्त में बताती हूँ कि सर्वप्रथम तो डिवाइडर का जो NH 75 का जो रुका हुआ उसका परमिशन थी, सबसे पहले मेरा यही उद्देश्य था कि डिवाइडर का कार्य हो, और डिवाइडर का कार्य बड़े लोगों के अनुमति से हुआ, शुरू हुआ और वह कार्य हुआ। और उसके बाद स्टेडियम जो कि नगर की जनता का एक बहुत बड़ा कहेंगे कि ग्राउंड खेल प्रेमियों का बहुत ही अच्छी जगह है, उसका हमने पूरा सौंदर्यीकरण किया है, उसमें सांसद निधि के द्वारा, विधायक जी के द्वारा, उसमें कुर्सियाँ, फेंसिंग और बहुत भी ऐसी चीजों का, उसका लाइट के पोल, मतलब व्यवस्थित तरीके से स्टेडियम का सौंदर्यीकरण किया। नौगांव थोड़ा स्पोर्टी मिजाज का शहर भी है, और आपको मालूम भी है कि यहाँ पर क्रिकेट प्रेमी कितने रहते हैं और बहुत बड़ा आयोजन भी होता है, तो इस उसमें मतलब उसपे भी काम हुआ है, स्टेडियम का भी बहुत बड़ा काम हुआ है। और इसके बाद कम्युनिटी हॉल, नौगांव में हमेशा एक कमी बनी रहती थी कि कहीं भी मीटिंग करना हो, चाहे वह अपने कार्यकर्ता लोग करें या फिर अपनी कोई भी सरकारी मीटिंग हो, कोई भी सामाजिक संगठन हो, तो सांसद जी के द्वारा एक कम्युनिटी हॉल का निर्माण कराया गया और नगर पालिका ने किया उसका, और बहुत ही सुंदर डबल स्टोरी का कम्युनिटी हॉल बनाया गया हैगा। और इसके अलावा भी जैसे पेयजल योजना नौगांव में, जलावर्धन योजना का हुआ, उसमें जगह जगह मतलब पाइपलाइन बिछाई गई हैं, और उस मुक्ति धाम का निर्माण हुआ, मुक्ति धाम में टीन शेड, पानी की टंकी, और भी ऐसे इतने कार्य हैं, रैन बसेरा हुआ और टेनिस कोर्ट का निर्माण करवाया गया, और इतनी गिनती है कि मैं बताती जाऊँ। और मुख्यतः अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कार्यकाल में कम से कम 250 CC पुलिया और नालियों का निर्माण हुआ है, और लगभग 60 ऐसे कार अभी जो हैं लग चुके हैं, और आचार संहिता के पहले वह काम लग जाएंगे। तो इतने कार्यों का, और अभी वर्तमान में आवास योजना चल रही है, आवास कामों की गिनती तो इतनी है कि आवास योजना जैसे अभी 600 आवास पूरे अपन हितग्राहियों को बराबर पहली दूसरी किस्त चल रही है, और आगे कम से कम 1500-2000 और लक्ष्य है अपना देने का, जो निरंतर चलता है। अच्छा, एक फ्रेशर के तौर पर जब आप राजनीति में आई और अचानक से इतने बड़े पद पर रही और फिर काम करने का मौका मिला, कुछ चुनौतियां भी सामने आई होंगी, उन चुनौतियों को भी आपने फेस किया होगा, ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो आपको अभी तक फेस करनी पड़ी? जी बिल्कुल, आप तो जानते ही हैं कि जब इतने बड़े पद पर बैठो तो निश्चित ही विपक्ष चुनौतियां चलती ही रहती हैं, लेकिन मैंने चुनौतियों की कभी परवाह नहीं करी, क्योंकि मेरा उद्देश्य था कि जनता का काम करना है, चाहे चूंकि आप ये समझ लो चाहे मैं महिला वर्ग से पड़ गई हूँ, जो भी हूँ, कई लोगों के दबाव कुछ भी, लेकिन उस चीज की बिल्कुल मैंने परवाह नहीं करी। मेरा उद्देश्य था कि जनता का काम करना है, जनता को उसका लाभ मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए, क्योंकि आज ईश्वर ने जिस पद पर मुझे बिठाया है उस पद की जिम्मेदारियों पर मुझे अपने आप को खरा उतारना था, और मैंने पूरा यही प्रयास किया और मैं खरी उतरी भी हूँ। चुनौती, एक छोटा सा उदाहरण भी बता दूँ कि नगर पालिका की जो 6 एकड़ की मैं चर्चा हुई थी, 6 एकड़ की एक जमीन थी, वो उसको भी कई लोगों के द्वारा दबाया जा रहा था, लेकिन दबाने के बाद उसके ऊपर भी हमारे ऊपर भी दबाव था कि आप उस चीज में इंटरेस्ट मत लीजिएगा, जाने दीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं, हमारी नगर पालिका की, हमारे नगर की संपत्ति है उसको, तो बकायदा हम लोगों ने उसका केस लड़ा। आज अपने अच्छे से अच्छे वकीलों के द्वारा हम केस लड़ रहे हैं, और हमारे यही प्रयास है कि केस में हम जीते, आगे जैसा न्यायालय निर्णय देगा, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी, चाहे कुछ लोगों का कहेंगे कि नेचर ही होता है कि पक्ष और विपक्ष रखना, चाहे वह फेसबुक के माध्यम से हो, चाहे वो
पेपर, लेकिन हमने ये नहीं सोचा, हमने तो ये सोचा है कि हमें तो अपना कार्य करना है, करना है, जब पद पे बैठे हैं तो वो जिम्मेदारी निभाएंगे। अच्छा, आपके लिए तो भारतीय जनता पार्टी भी एक नई पार्टी ही थी, क्योंकि जब आपको टिकट मिली उस वक्त तक तो आप एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थी, तो भाजपा भी नई पार्टी थी। कांग्रेस के बारे में भी आपने सुन रखा होगा, भाजपा कांग्रेस में क्या फर्क देखती है? देखिए, कांग्रेस के बारे में तो मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, चूंकि उसको नया इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि मेरे पति 15 साल से तो लगभग सांसद प्रतिनिधि हैं और 20 सालों से राजनीति में है, वो कोई ना कोई पद पे रहे हैं, तो चूंकि जब पति उस पद पे रहे हैं तो घर पे आई जाती है तो सुनने को सब मिलता ही है। और जब मैं घर से फ्री हुई तो मैं भी एक छोटे से अपने कहते ना कि कार्यकर्ता बनते हैं, पहले मैं कार्यकर्ता थी, ज्यादा उसमें इन्वॉल्व तो नहीं रहती थी, लेकिन जितना टाइम मिलता था उतना थोड़ी बहुत समय काम करके देखा था, मतलब उसके पहले मैं थोड़ी बहुत कभी मीटिंग में गई कभी, मतलब तो बहुत। भाजपा में क्या खास लगा, क्या खूबियां दिखी? भारतीय जनता पार्टी की विशेषता तो यही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की सोच विचारधारा पे चलती है, यानी कि अंतिम, मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि अंतिम छोर तक के व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए। देखिएगा, यदि कोई व्यक्ति है, अभी तक मैं जब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हूँ, जहाँ तक मैंने जाना है, कोई भी व्यक्ति आए, उसके जो भी बात हो, कोई भी डायरेक्ट आके बात करता है और डायरेक्ट मतलब लगता है मुझे कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हूँ, तो व्यक्ति मुझसे मिलता है सीधे और अपनी बात को रखवाता है, इसलिए मुझे और वरिष्ठ लोग का मार्गदर्शन कभी कभी, मतलब कार्यकर्ता को आगे बढ़ने के मौके ज्यादा हैं भाजपा में, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को यहाँ पर आगे आने का मौका मिलता है। जो उदाहरण के लिए मैं स्वयं हूँ कि मैं भी एक छोटी सी कार्यकर्ता थी, पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया, आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। जी, अच्छा, आपके कार्यकाल पर कुछ सवाल भी उठते हैं। नौगांव चूंकि हमारा एक ऐसा पुराना शहर है जो कि अंग्रेजों के समय बसाया गया था और बड़ा सुव्यवस्थित तरीके से बसाया गया था, ये जो स्मार्ट सिटी एक नया वर्ड अभी आया है, सही मायने में देखा जाए तो नौगांव उस दौर की स्मार्ट सिटी था, लेकिन आपके कार्यकाल में नौगांव से कुछ ऐसी खबरें सामने आने लगी कि लोगों को पानी की समस्या है, लोगों को साफ सफाई की दिक्कतें हैं, और वो स्मार्ट सिटी जो एक पहले हुआ करती थी उस पर कहीं ना कहीं दाग लगा है, ये कहीं आरोप आपने भी सुने हैं? नहीं, देखो, इसके लिए मैं ऐसा कहूंगी कि पहले कई बरस जो स्मार्ट सिटी, जो एक बनावट के बारे में बातें होती हैं, वो कई बरस पहले की, क्षेत्रफल की दृष्टि से नौगांव नगर अब काफी फैल गया है, काफी हद तक फैल गया है, और कहेंगे कि सफाई के लिए कहेंगे या पानी के लिए कहेंगे, पानी का आपको मैं बता दूं कि जब से अपनी, पहले भी पानी दिया जाता था, लेकिन जब से अपनी मुख्यमंत्री पेयजल योजना पूरी तरह 95% कंप्लीट हो गई है, और हर वार्डों में मैंने अपने कार्यकाल में देखा है कि व्यक्ति 17 नंबर वार्ड का व्यक्ति हो चाहे 18 नंबर वार्ड का व्यक्ति हो, 11 नंबर, इतनी दूर दूर व्यक्ति बूंद बूंद पानी के लिए तरसता था। हमारे कार्यकाल में अभी एक साल पहले ही वहाँ पाइपलाइनें डली हैं, ऐसी ऐसी जगह पाइपलाइनें डली हैं, और पानी की जनता के आज वो कहते हैं कि बेटा, हम लोग कहीं बाहर जाते थे तो हम लोग को जो लगता था कि आके इतने सारे कपड़े गंदे कैसे धोएंगे, दीदी हमने शादियों में जाना बंद कर दिया था, लेकिन आपने जो पानी की सुविधा देखे, और नए कार्यकाल में 2 नई टंकियों का निर्माण हुआ, और हर छोटी से छोटी गली में 95, हो सकता है कि 5% बची हो, लेकिन 95% पानी की समस्या दूर हो गई, पाइपलाइन डल चुकी है। जी, और साफ सफाई का? साफ सफाई के लिए तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहूंगी कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा, उसमें हमारा सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहता है, डोर टू डोर रिक्शा चलते हैं, अभी अभी हम लोगों ने टाटा ट्रिप भी ली है, वो भी बकायदा चल रही है, और डस्टबिन भी रखवाए गए हैं, मतलब हमारी तरफ से जो प्रयास रहता है हम पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन हाँ, सफाई एक आम आदमी का दायित्व भी होना चाहिए, भी है, इसलिए मैं आपके यहाँ के माध्यम से जनता से भी निवेदन करूंगी कि इस चीज में सहयोग करें। अच्छा, आपकी नगर पालिका कुछ और चीजों को लेकर भी सुर्खियों में आई थी, जब पार्षदों और जो है अधिकारियों के झगड़े थाने पहुंचे, कई पार्षदों ने भी 5-7 बार ऐसे हंगामे किए कि वो अक्सर नौगांव नगर पालिका इस मामले को लेकर सुर्खियों में बनी, ये क्या मामला था? देखिए, पार्षदों की बात कहें तो हमारी कुछ पार्षद आपसे भी खुश नहीं है, कुछ अधिकारियों से खुश नहीं है, ऐसा नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारी नगर परिषद
बिल्कुल एक परिवार की तरह है, चाहे वह उसमें कोई सी भी पार्टी का व्यक्ति हो, लेकिन जब हम लोग परिषद में बैठते हैं, हाँ तो वो नगर सरकार है, सबकी सरकार है, सबकी के ऐसा लगता है कि एक परिवार बैठा है। कभी भी इतने मुद्दे बनते हैं, हम लोग के एजेंडा रहते हैं, बहुत कम होता है कि कोई एक आध एजेंडे पे कभी विरोध हुआ हो या कुछ हुआ हो, सर्वसम्मति से पास होती है। क्योंकि और जो बात आप कह रहे हैं कि वो इश्यू बना रहा हो घर पे, उसका कारण यह था कि हम जनता और पार्षदों के साथ साइड थे, क्योंकि अधिकारियों की कभी कभी थोड़ी बहुत कमी हो जाती है और अधिकारियों के चक्कर में उनके काम थोड़ी जनता के नहीं सुने जा रहे थे, तो इस कारण से। लेकिन हम और हमारी परिषद हमेशा एक साथ रहती, क्योंकि परिषद में हमारे पक्ष विपक्ष बिल्कुल नहीं चलता है कि कौन पक्ष का है कौन विपक्ष का है, जहाँ तक मैंने महसूस किया है। अब चुनाव की बात करते हैं। आप जैसा कि अभी हमने दर्शकों को बताया कि आप हरपालपुर में जन्मी हैं, फिर आप नौगांव में पली बढ़ी हैं और उसके बाद नौगांव में ही आपकी शादी हो गई, तो आप उस महाराजपुर विधानसभा में जहां पर इन दिनों नगर पालिका अध्यक्ष भी हैं और वहां की निवासी भी हैं, उस महाराजपुर विधानसभा में एक बड़े एरिया को कवर करने वाली एक पब्लिक पर्सनैलिटी हैं क्या, और साथ ही आपके पति भी पिछले 15 साल से एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं और लगातार जो है सांसद प्रतिनिधि रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपको दावेदारी करनी चाहिए महाराजपुर विधानसभा से विधायक पद की, या पार्टी ने आपको अभी कोई इशारा दिया है कि आप तैयारी करिए? नहीं, देखिए ऐसा विचार तो मेरे मन में अभी नहीं आया है कि मुझे कुछ ऐसे आगे बढ़ना है। मेरा मुख्य उद्देश्य, जी आपने बिल्कुल सही कहा कि हरपालपुर भी मेरा मायका है, नौगांव भी मेरा मायका है, और दोनों ही जगह मुझे बहुत ही प्यार और दुलार मिलता है। जब भी मैं जाती हूँ बहुत प्यार दुलार, लेकिन मैंने कभी ऐसा आगे अभी नहीं सोचा है कि जैसा कि आप महाराजपुर विधानसभा के बारे में कह रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है। मेरा तो बस यही मानना है, सोचा तो आप सोचना शुरू कर दीजिए। नहीं, मैंने तो सिर्फ सोचा है कि आज मेरे कार्यकाल के जो जितना भी समय बचा है और पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, उस तरह मैं उस काम को मैं अपने अच्छे से करूं, उस काम को अपने लगन से कंप्लीट करूं, अपनी जनता की सेवा करूं, बस मेरा तो अभी यही उद्देश्य है, इसी उद्देश्य को बना के रखूं। नहीं, लेकिन पार्टी अगर कहेगी कि आपको चुनावी दायित्व संभालना है, आपको मैदान में जाना है, तो मैं तो पार्टी की तरफ हूँ। यदि पार्टी जिसको भी टिकट दे, मैं हमेशा पार्टी की तरफ रहूंगी और पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उसका निर्वाह। अच्छा, एक महिला होने के नाते महिलाओं के प्रति भी कोई सॉफ्ट कॉर्नर होगा आपका, उनके लिए क्या विजन है, क्या सोचते हैं, कभी और बड़ा अवसर मिला तो क्या करना चाहेंगे? महिलाओं के लिए स्वाभाविक है, मैं महिलाओं हूँ तो महिलाओं से मेरा बहुत जुड़ाव है। महिलाओं के ने यदि आपने एक बात छेड़ी है तो मेरे बात मन में एक बात आई है कि जब से मैं नगर पालिका अध्यक्ष बनी हूँ, तो आप ये सोचिए कि जो हाउसवाइफ थी, घर में गृहणी रहती थी, वह नगर पालिका के स्वयं काम कराने लगी। वो कह रही दीदी मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अरे दीदी बैठी है नगर पालिका में, तो अपने हस्बैंडों से कह दी थी कि आप लोग काम पे जाइए और मैं जाके मैं राशन कार्ड के जे करवाना हूँ, आईडी करवानी हूँ, मैं दीदी से मिलके करवा लूंगी। तो महिलाओं को मुझसे सपोर्ट तो बहुत मिला है और प्यार भी दुलार भी महिलाएं मुझे बहुत करती हैं कि हमारी दीदी बैठी है तो हमारा सब काम हो जाएगा। यहाँ तक कि यदि उनके पर्सनली झगड़े हस्बैंड या सास ससुर के होते हैं, वो भी हमसे शेयर करने आ जाती तो हम कहते भाई ये तो छोड़ दो। तो ऐसे कहीं भी कोई बिजली विभाग का हो या कोतवाली का भी हो, तो वो बराबर महिलाएं मुझसे कॉन्टेक्ट में रहती हूँ। महिलाओं के लिए मैं इतना ही कहूँगी कि सशक्त बनो, अपने पैरों पर खड़े हो, क्योंकि आजकल का जमाना ही महिलाओं का है। जब आप स्वयं अपने पैरों पे खड़ी होगी तो सामने वाला आपको बिल्कुल दबा नहीं पाएगा और आप अपना स्वयं काम करें और दूसरों पे डिपेंड ना रहें। चलिए, बहुत बढ़िया, नारियां आगे बढ़े, आप आगे बढ़े और मत संग्राम जब हम अगली तरफा करें तो आप महाराजपुर विधानसभा से विधायक हों। आज के मत संग्राम में हमारे साथ थी नौगांव नगर पालिका की अध्यक्ष अभिलाषा सिभरे, जो कि नगर पालिका अध्यक्ष होने के साथ साथ इन दिनों भारतीय जनता पार्टी से महाराजपुर विधानसभा की एक दावेदार के रूप में भी देखी जा रही हैं। आज उनसे कई सवाल किए जिनके जवाब उन्होंने दिए, हो सकता है उन्हें भाजपा टिकट दे और वो आपके दरवाजे पर वोट मांगने आए, तो आज का ये जो कार्यक्रम है वो काफी मदद करेगा आपको उनके बारे में जानने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में।